इवनिंग में हमारी जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स फार्मर्स प्रोड्यूस की जो व्हीकल्स हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा। उनके साथ जो आम लोगों की गाड़ियां हैं वो भी इस समय पर यहाँ से मंडी की तरफ जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ से गाड़ियों को निकलने में एटलीस्ट 2 घंटे का समय लगता है जब तक वो कमांड या उसके बियॉन्ड निकलती हैं। तो इसके बाद जो है लगभग 1 बजे तक का समय जो है वो पीडब्ल्यूडी तो को दिया जाएगा रोड की मैंडेटरी मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिंक कर रहे हैं जिनमें मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो ये 5-6 घंटे का समय जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को मेंटेनेंस के लिए रहेगा। रात को 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मंडी की तरफ से ट्रैफिक छोड़ा जाएगा, जिसमें अगेन इसेंशियल सर्विसेज के व्हीकल्स या अन्य सभी छोटी गाड़ियों को जो है मंडी की तरफ से बजौरा के लिए छोड़ा जाएगा। इसके बाद सुबह 9 से 10 बजे दोबारा कुल्लू से मंडी की तरफ बजौरा से गाड़ियों को छोड़ा जाएगा, और दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक जो है दोबारा से मंडी से कुल्लू की तरफ को गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। तो ये ब्रॉडली समय सारणी निर्धारित करी गई है। हालांकि अगर कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज रहते हैं तो उसके हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, पर फिलहाल ये समय सारणी जो है आम लोगों की जानकारी के लिए आज हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू भी शेयर की है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इस समय सारणी के हिसाब से जो है अपनी यात्रा को प्लान करें ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा जहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट में फ्यूल और एलपीजी की स्टॉक की बात है, तो मैं सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सफिशेंट मात्रा में जो है वो फ्यूल डिस्ट्रिक्ट में है। आज भी हमारे पास 15 फ्यूल के टैंकर्स और 5 गाड़ियाँ एलपीजी की कुल्लू में आई हैं। लगभग 1 लाख लीटर पेट्रोल और 1.5 लाख लीटर के आसपास डीजल जो है इन टैंकर्स के माध्यम से आया है। मेरा सभी से आग्रह है कि कृपया किसी तरह का कोई पैनिक की सिचुएशन जो है वो ना क्रिएट करें। बहुत पेट्रोल पंप्स में हम ये नोटिस कर रहे हैं कि पैनिक की वजह से लोग जो हैं वो आज फ्यूल भरना चाह रहे हैं कि कहीं कल ख़त्म ना हो जाए। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। हम लोगों की डेली कोशिश रहेगी कि फ्यूल जो है वो सफिशेंट मात्रा में आए, और जैसा हमने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी करी है उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि फ्यूल की व्हीकल्स को हर रोज़ जो है सेफ पैसेज लेके कुल्लू तक पहुंचाया जाए ताकि किसी भी पेट्रोल पंप में शॉर्टेज ना हो। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो किसी भी तरह का जो है वो पैनिक की स्थिति में ना जाएं और आश्वस्त रहें कि फ्यूल जो है सफिशेंट मात्रा में पेट्रोल पंप से मिलेगा।